श्री राम हॉस्पिटल विदिशा द्वारा ग्राम हासुआ में मुफ्त स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ अस्पताल के संचालक मनोज कटारे, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता द्वारा किया गया। इस मौके पर भगवान सिंह नरवरिया, रघुवीर सिंह दांगी, रमेश शर्मा द्वारा किया गया। इस मौके पर ग्रामीण जन भी उपस्थित रहे और लगभग 200 मरीजों का मुफ्त इलाज किया गया और दवाओं का वितरण भी हुआ। हम सब लोगों को इस आयुष्मान कार्ड के माध्यम से अवगत कराया और हमारे मुख्य की सभी उन्होंने अपने दिमाग में आई कि और कहीं भी यह सफल लगा सकते थे, लेकर हटुबा उन्होंने सुना और हम सबको इस इलाज का, मुफ्त इलाज का, जो प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड के माध्यम से जो मुफ्त इलाज हमको मिलने वाला, उसकी जानकारी हमको दिल्ली का होगा। एक्सरा होना है, एक पैसा नहीं लगेगा। एक्सरा दो बार होना है, पांच बार होना है या 10 बार होना है तो भी एक पैसा नहीं लगेगा। खून की जांच हो रहा है, खून की जांच 70 तरह की होती है, मलेरिया की, डेंगू की, कफ की जांच होना है, पेशाब की जांच होना है, किसी भी तरह की जांच कितनी भी बार होगी एक भी पैसा आपको नहीं देना। अब आपको 4 सेंटर भर्ती रहना है, इसके बाद ठीक होकर वापस आना है। अगर दुर्भाग्य से किसी तरह की कोई सर्जरी होना है, ऑपरेशन होना है, तो उसका भी आपको 1 रुपये भी नहीं देना। और ये जो लोग खड़े हैं वरिष्ठ आपके क्षेत्र में, तो ये जो वरिष्ठ लोग खड़े हैं आपके क्षेत्र में, आप सब इनसे परिचित हैं, 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, 25 साल से, 40 साल से, तो किसी को भी कोई तकलीफ हो, आप इनमें से किसी को भी फोन लगाइए। वैसे हमने कार्ड दिया है आपको, आप उस पर फोन लगाइए, इनमें से किसी को फोन लगाइए, ये हमें फोन लगाएंगे। जब आप हमारे अस्पताल आएंगे तो हमारे पास अगर फोन आ गया तो गेट पर हमारा स्टाफ आपको खड़ा करेगा। आपको किसी तरह के डरने की, झेपने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने फिर बोल रहा हूँ, पहले भी बोला कि अस्पताल जो बड़ी होती है, जाते हैं तो लोग बड़ा डरते हैं, झेपते हैं, इससे बात करें, क्या करें। तो आप तो मैं बड़े विश्वास दिलाता हूँ, उस अस्पताल में आपको एक ऐसा माहौल मिलेगा जैसे बिल्कुल घर की आपकी अपनी अस्पताल है। कोई तकलीफ आपको वहाँ पर आए, आप गाँव वाले जिनने भेजा है, रमेश महाराज है, भगवान सिंह दादा है, रघुवीर दादा है, बलराम है, और जो हमारे जो वरिष्ठ लोग पड़े हैं, इनको आप फोन लगाओगे तत्काल मुझे फोन लगाएंगे। अगर कोई तकलीफ है आपकी तकलीफ को तत्काल इतनी बड़ी जगह है, मरीज अगर आपका भर्ती है, परिवार के 4 लोग उसको अटेंड करने के लिए रुके हैं, और 50 लोगों के रुकने की व्यवस्था है, इतनी बड़ी जगह है। तो कुल मिला करके ये कैंप लगाने के पीछे उद्देश्य ये कि सरकार ने इतनी इंसानियत और मानवता की इतनी बड़ी योजना को लाए हैं आयुष्मान भारत योजना, उसका जो लाभ नहीं मिल रहा। और कई बार क्या होता है कि दूसरे अस्पतालों में भी आयुष्मान की सुविधा है, कई जगह बिचौलिए और दलाल सक्रिय है। आप जाओगे वो आपसे कहेंगे कि आपके इलाज में 1 लाख का खर्चा है, आप 10,000 रुपये दे दो, सब जाओगे हम पूरा इलाज करवाएंगे। ये इस तरह से दलाली का भी 1 रुपये भी आपको नहीं देना। किसी भी तरह की टोटल बीमारी, ऑपरेशन, जांचें, सारा इलाज आपका फ्री होगा। ये आपका विश्वास जगाने के लिए हम लोग आए हैं कि आपका विश्वास बढ़े कि हाँ घर में आप बीमार मत पड़े रहो। पहले तकलीफ हो जाती थी तो लोग झूठ बोलते थे मुझसे, क्यों दादा कि अरे मियादी बुखार है, वो 4 दिन में ठीक हो जाएगा। अब पता पड़ा कि तकलीफ है, बुखार ऐसे ठीक नहीं होगा, बिगड़ जाएगी तबीयत। लेकिन चूंकि दुर्भाग्य से गरीब आदमी के पास पैसा नहीं होता था, वो जाता नहीं था, इंतजार करता था, कई बार ऐसी घटना हो जाती थी कि आदमी भगवान को प्यारा हो जाता था। मेरा आपसे निवेदन है, आप इस अस्पताल को अपने घर के अस्पताल समझें, जितने लोग यहाँ खड़े हैं इन सबकी अस्पताल समझें, और किसी भी तरह की तकलीफ हो आज यहाँ इलाज फ्री करके जाएंगे, सबको कार्ड लेके जाएंगे। पूरे हासुआ और आसपास के जितने गांव हैं, एक भी व्यक्ति, और ये हमारे अनिकेत जैसे नौजवान खड़े हैं, जागरूक अनिकेत तुम्हारे जैसे लोगों की जिम्मेदारी पर इसका नाम भूल जाए, अंकित
ये लोग इनके मन में बड़ी सेवा करने का जुनून है, ये गांव के लोगों की सेवा करना चाहते हैं, पर मुझे कहते हैं वो कोई शर्त नहीं कि वो राजनीति करना चाहते हैं। अगर राजनीति सेवा करके करना चाहते उससे बड़ा क्या पुण्य करता हूँ। राजनीति जो लोग भ्रष्टाचार करने के लिए करते हैं, वैसे अगर ये सेवा करने के लिए कर रहा है, मैं भी बड़े दंगे की चोट में कहता हूँ मैं राजनीति कर रहा हूँ तो सेवा करने के लिए कर रहा हूँ। ये सिविल भी उसी का हिस्सा है, ये सिर्फ उसी का हिस्सा है। उसके पहले भी मैं 15-20 साल से लोगों की सेवा कर रहा हूँ, जो लोग यहाँ पर खड़े हैं वो सब जानते हैं, इसलिए दादा सेवा कर रहे हैं, ये लोग सब सेवा कर रहे हैं। तो हमें काम बताते हैं भैया ये काम कराओ, गरीब आदमी है कराओ, हमें कराना पड़ता है। तो इसी का एक हिस्सा ये है, और गरीब आदमी को उसका इलाज फ्री कराना इससे बड़ी प्रिय मानवता की कोई सेवा नहीं है, जिसकी सुविधा सरकार ने दी अस्पतालों को, लेकिन बहुत सारे अस्पताल वाले जो गड़बड़ कर रहे हैं उस गड़बड़ को खत्म करने के लिए हम यह शिविर यहाँ पर करना चाहता हूँ कि किसी को खांसी भी आए, एक छींक अगर आ जाए तो आप श्रीराम अस्पताल चले आइए, एक दिन बैठे रहो, 2 दिन रहो, 15 दिन रहो। मैं कहता हूँ कि कोई अगर लगता है किसी को, जैसे मान लो भैया पड़े किसी को लगता है कोई बीमारी नहीं है, लेकिन कमजोरी तो बहुत है, कमजोरी है इसका मतलब कोई ना कोई तकलीफ है, आप आइए आयुष्मान कार्ड लाइए, 8 दिन भर्ती रहो, वहाँ से बढ़िया लाल होकर लौटो, बढ़िया चकाचक दौड़ लगाते हुए, जब सुविधा है तो क्यों नहीं लोगे आप, हमें पैसा सरकार देगी। ये बात सही है कि आयुष्मान में पैसा अगर हम प्राइवेट कोई इलाज करें अगर 10,000 रुपये मिलता है तो आयुष्मान में 5,000 मिलता है, उसमें ही तो रहा है कि 1-1.5 साल तक नहीं मिलता, लेकिन अगर सरकार ने सुविधा की है तो हम जो सुविधा देने के लिए आपको आपके घर तक आए हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ जितने लोग यहाँ खड़े आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप इस बात पर नजर रखें कि कौन व्यक्ति ऐसा है आसुरा में जो बीमार है और आयुष्मान कार्ड है और जो अस्पताल तक नहीं जा पा रहा है, जिसके परिवार में कोई नहीं है, कोई बुजुर्ग है, मान लो कोई नौजवान नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं है, बस के पैसे नहीं है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है उनको भेजें। और अगर कोई बहुत गंभीर है बुजुर्ग जिसके घर में कोई नहीं है, हमें आप फोन लगा, हम उस मरीज को यहाँ से दिशा मंगवा दें, लेकिन वो जाए होना चाहिए कि हाँ वो आ ही नहीं सकता। इसलिए मैं आप सबसे दोनों हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ कि यहाँ पर लोग खड़े हैं आपसे भी, तो सामने हमारी माता बहने बुजुर्ग बैठे आपसे भी, अब कोई भी तकलीफ हो आपको आयुष्मान कार्ड के माध्यम से आपका पूरा इलाज हम फ्री करेंगे, एक पैसा भी आपको नहीं देना। कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जिसको तकलीफ हो और आयुष्मान कार्ड और उसके बाद भी वो घर में पड़ा रहा है, क्या देखेंगे जो होगा सो ऐसा नहीं, आप आइए, आप आज इस शिविर का भरपूर लाभ लो, इसको जितनी दवाइयाँ 25,000 की 50,000 की अगर बांटना पड़ेंगी हम अपनी तरफ से ये दवाइयाँ आपको फ्री दे करके जाएंगे, इसलिए हमने ये शिविर लगाया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग गाँव में जाओ लोगों को बताओ भाई ये शिविर चल रहा है, शिविर चल रहा है मुफ्त इलाज हो रहा, जाँच हो जाएगी, अगर बड़ी बीमारी है कल भर्ती कर लेंगे, इसलिए आप सबको हमें सुविधा देने के लिए आए, बहुत बहुत धन्यवाद। दादा साहब भोजन के हमारे हथियार डाल दिए, कह रहे हैं भगवान जी का नहीं भूलेंगे, अब भगवान जी तरीन खबरों से रहिएगा, आप अपडेट देखते रहिएगा विदिशा एमटी न्यूज, हमें दीजिए इजाजत। खबरों में फिलहाल इतना ही, शहर की ताज़ा तरीन खबरें अब आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है, यूट्यूब पर एमटी न्यूज 24/7 को सब्सक्राइब करें और जानें शहर की ताज़ा तरीन खबरें, और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे आप रहे हर खबर।